ये चंबल संभाग है, आज अतिथि सत्कार के लिए तैयार है, बड़ा उत्साह है और इस बैठक का बड़ा महत्व है क्योंकि ये हमारे संगठन की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं, सभी कार्य करने को तैयार हैं और इस चुनाव की कमान बिल्कुल पूरी तरह से कस करके आज तैयार होकर के आए हुए हैं। पूरी तरह से मजबूत इस बार भाजपा लहार भाजपा की होगी। यदि एक सवाल ये होता है कि दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दंगा करा सकती है, देखिए ये तो विधर्मियों के जो काम है वो करते रहते हैं। देश विरोधी लोग हमेशा ये सोचते हैं कहाँ ये हो जाए, कहाँ दंगा हो जाए, वो अपेक्षा करते रहते हैं कि कौन करवा दे और वो उसका संरक्षण कर लें या सूत्रधार बन जाएं, वो करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी रचनात्मकता में और संगठनात्मकता में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने कार्य से भारत माता को सुखी करती रहेगी, भारत माता के लिए सदैव समर्पित रहेगी और नेगेटिव सोचने वाले सदैव नकारात्मक सोचने वाले नकारात्मक बने रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में चीन की सेना घुस चुकी है, कई जगह उसने जगहों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन सरकार है क्या सुई? देखो ऐसा है, चोर ही चोरी की बात कर रहा है तो क्या करना चाहिए, उनके संबंध क्या है चीन से ये सब पूरा भारत जानता है और वो पैरोकार हैं चीन के, इसलिए उनकी नैतिकता बनती ही नहीं है इस बात की, फिर भी लगे रहते हैं तो अपनी राजनीति को जमाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन राजनीति उनकी उखड़ चुकी है।